हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आया हूँ सब्ज बुर्ज दोस्तों, जो पड़ता है हुमायूं के मकबरे के जस्ट सामने। तो दोस्तों ये हुमायूं के मकबरे के जस्ट सामने है और इसका नाम जो है सब्ज बुर्ज। और इसके जो चारों तरफ है सड़क है और रोड के बीचों बीच में ये बना मकबरा जो है। तो दोस्तों ये जो है सब्ज बुर्ज मकबरा, ये जो है कुछ मुगल इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है 1626 में फहीम खान के लिए बनवाया गया था दोस्तों। लेकिन वहीं पे कुछ लोग का मानना है कि ये फहीम खान नहीं दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि मुगल साम्राज्य के चौथे सम्राट जहांगीर जो थे, उनके शासनकाल के दौरान जो अब्दुर रहीम थे उनके परिचित थे एक, उनका मकबरा ये है। तो कुछ लोगों का मानना है कि 1530 में ये मकबरा बना हुआ है दोस्तों। तो क्या सही है क्या गलत दोस्तों, इतिहासकारों का जो मानना है वही आप सभी को बता रहा हूँ जो इसका इतिहास है। तो कई लोग बोलते हैं 1530 में बना दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 1626 में फहीम खान का मकबरा है। तो दोस्तों जिसका भी होगा काफ़ी सुंदर सा है, जो इतिहास बताता है वही बता रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि जो बीचों बीच में बना हुआ है काफी सुंदर सा, इसका दृश्य यहाँ से देख सकते हो काफी सुंदर है। और चारों तरफ जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा इसकी डिजाइनिंग की गई है और चारों तरफ जालियाँ लगी हुई हैं क्योंकि इसको कोई डैमेज ना करे और इसका कोई छतरी ना पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों काफी सुंदर सा है बुर्ज है। अगर आप लोग हुमायूं के मकबरा पे आते हो तो एक बार यहाँ पे जरूर घूमिएगा और देखिएगा दोस्तों। इसके अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं, नहीं तो चल के अंदर इसके दिखाता मैं। और काफी सुंदर सा है जो रोड के बीचों बीच में बना हुआ है दोस्तों। तो आप सब हमारी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी पक्षियाँ कबूतर हैं पीछे हमारे, तो उसके जस्ट सामने है और ये बुर्ज है, देखिए सब्ज बुर्ज। तो दोस्तों ये मकबरे के जस्ट सामने है हुमायूं का, अभी सामने चल के दिखाता हूँ आप सभी को, बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये जो इसका नाम है सब्ज बुर्ज, सब्ज का मतलब होता है हरा दोस्तों। और इसकी गुंबद देख सकते हो नीले कलर का यहाँ पे सजाया गया है, वो कितना बेहतरीन सा है। रोड के मेन रोड के बीचों बीच एकदम है। और इसकी बहुत सारी जानकारियाँ जो है अगर आप अभी गूगल पे देखोगे तो हर तरह का उसमें देखने को मिलेगा, कोई कुछ बताता है इसको, कोई कुछ बताता है, लेकिन सब्ज बुर्ज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये जस्ट हुमायूं के मकबरे के सामने है और इसकी खूबसूरती देखो, काफ़ी सुंदर सा व्यू आता है यहाँ से। और रोड के सामने है सीधा, और जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके जस्ट बगल में हुमायूं का मकबरा है, टिकट काउंटर दोस्तों। अब चलेंगे थोड़ा और दिखाएंगे उसको, क्योंकि अभी मैं रोड के इधर पार हूँ और उस पार, क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं है दोस्तों। और इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ आप सभी को बताऊँगा भी। और ये देखिए कितनी पक्षी हैं, कितने कबूतर हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं। और ये चालू रोड है यहाँ से, देख सकते हो। और इसके साइड साइड में लोहे का रोड लगा हुआ है। और यहाँ पे एक गेट भी है दोस्तों, मैंने गया बोला खोलने के लिए, गार्ड ने मना कर दिया, इसलिए अंदर नहीं गया मैं, अंदर अलाउ नहीं है दोस्तों। वैसे तो कई वीडियो मैंने देखा हूँ लोगों का, तो अंदर गए हैं लेकिन हमें नहीं जाने दिया, वो गार्ड नहीं जाने दिए, बोले कि अंदर नहीं आ सकते, वो बाहर से ही देख लो। तो हमने बाहर से ही देखा दोस्तों, और आप सभी को दिखाऊंगा। ये जो ऊपर लगा हुआ है नीले रंग की टाइल्स हैं, इस पे कुछ डिजाइनें हैं, फूल हैं और कुछ उर्दू या अरबी में लिखा गया है, काफ़ी बेहतरीन से। इधर थोड़े से फूल के डिजाइन भी बने हैं बहुत सारे उस जमाने की। और जो इसके दोस्तों अगर चारों राउंड पे जाओगे ना एक ही जैसे मिलेगा दोस्तों। अब देखो इधर साइड आया हूँ ना, इधर साइड सेम वैसे है, फिर बगल में जाओगे सेम इसी डिजाइन की मिलेगी। ये देख सकते हो ये जो जालियां हैं यहाँ पे, जालियां भी काफ़ी सुंदर सी इसको दर्शाती हैं।
और इसके बाहरी हिस्सा दोस्तों नीली टाइल्सों से और जो है पत्थरों से ढका हुआ है दोस्तों। और इसकी जो काफी, तो दोस्तों इसे लोकप्रिय नाम से जो है नीली छतरी, नीली गुंबद के नाम से ये जाना जाता है अभी दोस्तों। अगर आपको यहाँ पे आना है, इसका जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होगा दोस्तों, हम मैं तो आया था दोस्तों निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन उतरा था मैं सरायकाले का, तो आप सब वहाँ उतर सकते हो। नहीं तो अगर सबसे इसका नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा ये आपका नेहरू पड़ेगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन, तो आप वहाँ पे उतर सकते हो दोस्तों।